जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के लिए शुरू हुआ मार्च दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गया। ये मार्च चार दिन पहले मेरठ से शुरू होकर दिल्ली पहुंचा, जिसके बाद मार्च में शामिल हजारों लोग पैदल ही जंतर मंतर की ओर बढ़ने लगे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। मार्च में लोगों ने बढ़ती आबादी पर काबू करने की अपील के नारे भी लगाए। इससे पहले मार्च में शामिल लोगों की गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिली थी, फिर भी इनका जोश कम नहीं पड़ा और लोग हाथों में तिरंगा और पोस्टर थामे तेज तेज कदमों से आगे बढ़ते रहे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये लंबी यात्रा निकाली जा रही है, यहाँ से ये मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर इस मार्च में जो है वो शामिल हुए हैं। लोगों ने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द से जल्द कानून बनाने की मांग की। आपकी मांगे क्या है, आप क्या चाहते हैं? हमारी एक ही मांग है, देश भर में सभी धर्मों पर सभी जाति पात से ऊपर उठ के दो बच्चों का कानून लागू, पूरे देश में समान रूप से। इस दौरान रैली में लोगों के हुजूम के साथ कई गाड़ियों और ट्रक भी चल रहे थे, जिस पर आबादी को नियंत्रित करने वाले संदेश लिखे पोस्टर चिपके हुए थे। एमपी के श्योपुर के दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर उस समय भड़क गए जब कार्यकर्ता उनका स्वागत करते समय उन्हें नसीहत देने लगे। दरअसल कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जब सिंधिया से कहा कि आप उन नेताओं के घर जा रहे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस हारती है, इस पर सिंधिया भड़क गए और कार्यकर्ताओं से बोले कि उन्हें कहां जाना चाहिए और कहां नहीं, ये वो खुद तय करेंगे। यूपी के सहारनपुर में कुछ लोगों ने मकान में घुसकर एक परिवार पर हमला कर दिया। बताया गया कि दोनों पड़ोसियों के बीच संपत्ति का विवाद था, जिसकी वजह से दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने अपने पड़ोसी के मकान में घुसकर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक मकान के बाहर हंगामा करते दिखे। कुछ देर बाद एक लड़के ने मकान की गेट को लात मार कर खोल दिया और अंदर घुस गया। बाकी लोग भी उसके पीछे मकान के अंदर चले गए और वहाँ मौजूद लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने उन्हें रोकने की कोशिश कर रही महिलाओं के साथ भी जमकर मारपीट की। दोनों पक्ष के लोग काफी देर तक एक दूसरे से उलझे रहे। मारपीट में महिलाओं के साथ एक आदमी के घायल होने का दावा किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से भड़के एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना ही कभी बनेगा। मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत भारत को हिंदू राष्ट्र बताकर इतिहास को मिटा नहीं सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि भागवत हमें विदेशी मुसलमानों से जोड़ने की कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उनकी भारतीयता कम नहीं होगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू सर्वोच्चता उनके लिए अस्वीकार्य है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। मोहन भागवत ने भुवनेश्वर में एक दिन पहले दावा किया कि आरएसएस समाज में बदलाव के लिए काम कर रहा है और हिंदू राष्ट्र होने की वजह से ही मुसलमान यहां सबसे ज्यादा सुखी हैं। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं और इसलिए हमारा हिंदू देश है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू संगठन कर रहा है। मोहन भागवत के इस बयान पर बीएसपी ने एतराज जताते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जब से भाजपा सत्ता में आई है लिंचिंग का दौर बढ़ा है, हमने ये भी देखा कि दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है, महिलाओं के साथ अत्याचार, जुल्म और बलात्कार हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी भागवत के बयान पर भड़क गई और आरएसएस के बहाने केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। उनकी देखरेख में आज की तारीख में जो सरकार चल रही है उसके इकदाम से तो लगता है कि वो पक्षपात वाली सरकार है। एक इंटरनेशनल